तो महिलाएं कहती है समाजवादी पेंशन बंद हुई जो 500 रुपए मिलता है, मिल रहा नहीं मिल रहा ना। नमस्कार, डीएस न्यूज में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश के जनपद बाराबंकी अंतर्गत विधानसभा रामनगर क्षेत्र के आधा दर्जन गांवों में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ साथ समाजवादी पार्टी के नेता, पूर्व कैबिनेट मंत्री एवं पूर्व प्रदेश महासचिव अरविंद कुमार सिंह गोप ने बैठक कर सभी को बीजेपी की जुमलेबाजी से कैसे लड़ना है सिखाया। इस मौके पर उनके साथ पूर्व विधायक रामगोपाल रावत, नसीम कीर्ति, अतीक चौधरी, विशाल सिंह आदि सैकड़ों लोग उपस्थित रहे। बाराबंकी से डीएस न्यूज की ब्यूरो रिपोर्ट। महिलाएं कहती हैं समाजवादी पेंशन बंद हुई जो 500 रुपए मिलता रहा, मिल रहा नहीं मिल रहा ना। लोहिया आवाज पहले देते थे 3,05,000, वो 15% कौन सा आवाज पड़ता है इस समय। तमाम नौजवान पढ़े लिखे हैं, इनको लैपटॉप और खेती देते वो भी बंद है। अभी कोरोना काल में जो महामारी आई थी कितना लोग परेशान थे, कह माता जी कोई सुन रहा रहा नहीं सुना ना। हाँ, ये वो सरकार है जो वोट देने के बाद भूल जाती है, यही तो है। बताओ आप देखो, एक आदमी मोबाइल में मैसेज दे रहा है कि हर ख्वाहिश पूरी करेंगे। पहले का कहीं ना है कि गैस का चूल्हा देंगे, सिलेंडर देंगे, ये तो कहीं ना है। चलो यू जान गए कि गैस 1,000 रुपए एक हो गए दाल की कीमत कितना, कड़वा तेल कीमत कितना है, लहसुन कीमत कितना है मालूम है? आप तो जानते हो, आप गरीब आदमी 2 वक्त का भोजन नहीं कर पा रहा है, यही तो है। इनके लच्छेदार भाषण चल रहे हैं, खाली झूठ बोल रहे हैं, कोई काम नहीं करना चाहते ये लोग, न गरीब की, न नौजवान की, न हमारी माताओं बहनों की सुनने वाले हैं। बताओ पढ़ाई रेगा करती है ना, सब रेगा करते हैं। हम आप चाहे हाथ जोड़कर प्रार्थना करने आए हैं, पार्टी सबसे अच्छी है समाजवादी पार्टी, नेता सबसे अच्छे मुलायम सिंह अखिलेश यादव जी हैं। अखिलेश यादव और अरविंद सिंह को अखिलेश यादव और अरविंद सिंह को नौजवान का, किसान, महिलाओं का काम करते हैं। वोट डालो, सरकार बनवाओ, 12-25 6 सीट जिता दो की, समाजवादी पेंशन भी दुगनी कर देंगे और लोहिया आवाज फिर मिलेगा और पेंशन भी बढ़ा देंगे, क्योंकि ये पार्टी गरीबों की पार्टी, अखिलेश जी वाली यह पार्टी बड़े लोगों की पार्टी है। अखिलेश जी सरकार बढ़िया रहे ना, बढ़िया रहे, चलो फिर अखिलेश जी की सरकार लाओ जो बढ़िया रहे।